रुड़की नगर निगम में कुछ दिन पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की प्रशासक के रूप में अपना पदभार संभाला। इस दौरान सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने कहा है कि नगर की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि नगर निगम के पार्षदों से भी बैठक करेंगे और शहर की जो भी समस्या है उसके विषय में जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही साथ नगर में जल भराव की समस्या को भी लेकर उन्होंने कहा है कि जल भराव की समस्या का भी स्थायी समाधान निकाला जाएगा और पार्षदों के बीच चल रहे विवाद को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ये आज मैंने यहाँ पे नगर निगम रुड़की में एज प्रशासक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे ज्वाइन किया है। आज सबसे मीटिंग भी करी है, सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू भी किया है। अभी मैं सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ। एक बार सभी से मीटिंग हो जाए, सभी पार्षदों से भी उनके उनके वार्ड्स में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एक बार गंभीरता से मैं परख लूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी क्या इंपॉर्टेंट प्राथमिकताएँ रहेंगी। हालांकि मैंने कुछ दो तीन मुद्दे हैं जिस पर ऑलरेडी सोच रखा है, MNA साहब से भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, जिन पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। पहला मुद्दा तो है रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर। पिछले वर्ष में मैंने खुद ने नगर निगम के कई सारे कार्यों की, कई सारे मुद्दों की जाँच करी है, जिसमें मैंने पाया कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल इश्यूज़ भी थे जो हमारे को सामने देखने को मिले। पहले तो ऑफिस के ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं इन पे मैं फोकस करूँगा, ताकि किसी भी तरह की शिकायत हमारे को देखने को ना मिले। जो भी निर्माण संबंधी हमारे काम हुए हैं, चाहे पहले के टेंडर हुए हों, चाहे जो आने वाले टेंडर हैं और आने वाले जो वर्क ऑर्डर्स हैं, उनको भी मेरे द्वारा अच्छे से देखा जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल इशू नगर निगम रुड़की पर पॉइंट आउट ना किया जा सके। दिस इज़ इशू नंबर वन। सेकेंड इशू जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो ड्रेनेज को लेकर है। हमने देखा कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जलभराव हमेशा रुड़की में देखने को मिलता है, और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा जलभराव हुआ और काफ़ी नगरवासियों को प्रॉब्लम्स भी फेस करने को हुई। नॉट जस्ट रुड़की बट रुड़की के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत सारे इशूज़ देखने को मिले थे। आज CDO भी मैं डिस्ट्रिक्ट के सभी एरियाज़ को पर्सनली मॉनिटर कर रहा था, तो भली भांति जानता हूँ क्या क्या इशूज़ हैं। तो हमारी अर्बन एरियाज़ को लेके, नगर निगम रुड़की वाले एरिया को लेके ये प्राथमिकता रहेगी कि हम एक ड्रेनेज प्लान बनाएं और किस तरह से हमारा वाटर ट्रीटमेंट हो सकता है और जो जल भराव होता है, इनंडेशन होता है, उसको किस तरह से उसकी निकासी हो सकती है, उस पर हम लोग एक प्लान भी बनाएं और उस प्लान को जल्दी से इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो ये प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। देखिए, बोर्ड की बैठक तो एक नगर निगम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड होता है, और बैठक करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है जो कि होनी ही होनी चाहिए और बहुत सुचारू रूप से होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैठक ढंग से नहीं हो पाई। कोविड भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से भी बैठकें नहीं हो पाई। पिछले 3-4 साल में हमने देखा फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, तो नॉट जस्ट नगर निगम रुड़की बल्कि बाकी नगर निगमों में भी बैठक सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी अब सब कुछ स्मूथ हो चुका है और मैं सभी पार्षदों से भी ऑलरेडी अनुरोध भी कर चुका हूं कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स एटलीस्ट बोर्ड बैठक के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। बोर्ड बैठक एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम होता है, उसमें जो भी इश्यूज हैं वो सबको डिस्कस करने चाहिए, लेकिन बोर्ड बैठक ज़रूर होनी चाहिए और होगी भी। जो मुद्दा है मैंने SNA को बताया, हमारे SNA देखते हैं पूरा लाइट्स का व्यवस्था, ये मेरे द्वारा असेस किया जाएगा कि कितने लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है। ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं SNA को, तो मेरे सामने फाइल पुटअप होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कहां कहां पे लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वहां पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी सभी जगह ट्रैफिक लाइट्स सुचारू कर सकें।